और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इलेक्टोरल बॉन्ड खुलासे को लेकर सरगुजा जिले के राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताया है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अनैतिक दबाव बनाने के लिए ईओडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही भाजपा ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और लाइसेंस टेंडर को हथियार बनाकर करोड़ों रुपए का चंदा उगाही किया है। आज की प्रेस वार्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताया है और बीजेपी की इसमें सबसे बड़े चुनावी चंदा में जो फ्रॉड किया है उसको लेकर के है, और ईडब्ल्यूओ ने जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर अनैतिक दबाव बनाने के लिए जो कार्रवाई कर रही है, इस विषय को लेकर के हमने विस्तृत प्रेसवार्ता की। आज के प्रेसवार्ता में जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने जो इंडिकेट किया है वो ये है कि भाजपा ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लाइसेंस और टेंडर को हथियार बना करके करोड़ों रुपए का चंदा उगाही किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शेल कंपनियां जिनकी कुल वर्थ 2 करोड़ की नहीं है वो 100 करोड़। आज की प्रेस वार्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो